फैमिली बोला, एक लेडी एजुकेटेड होती है तो वो पूरे पूरी फैमिली को, पूरे कुटुंब को, पूरे समाज को एजुकेट करती है। जैसे आपकी टीम ने ये कदम उठाया है तो आपने लेडीज के हित के लिए कदम उठाया है, तो ऐसे क्योंकि आपने ही अगर कि हमारे मेवाड़ समाज की लेडीज को आगे आना चाहिए, तो उसी तरह से आपके आपकी फैमिली के हेल्थ का ध्यान रखना है, वो कैसे रखना है। तो के आजकल बहुत फैशन निकल गई है कि जैसे डोमिनो से पिज्जा मंगाया तो आपका स्टेटस बढ़ जाता है, मैकडॉनल्ड में खाया तो आपका स्टेटस बढ़ जाता है, पर ऐसा नहीं है। आप घर का ताजा खाना खिलाइए बच्चों को, बासी खाना मत दीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, और पानी भी हो सके तो घर का साफ सुथरा दीजिए, कोई भी सब्जी फ्रूट्स वगैरह रहते हैं तो साफ धो के उनको दीजिए, कभी भी खाली एक नॉर्मल पानी से मत धोइए। अगर बारिश के दिन है, जैसे इन दिनों में टिंसी आती है, टिंसी पे बहुत सारा कचरा होता है, तो आपको उसको पानी में भिगो के रखना है। मारवाड़ी लोग टिंसी खाते हैं, यू मस्ट बी नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट वी ईट। तो उसको पानी में भिगो के रखना है क्योंकि उसमें बहुत सारी मिट्टी होती है, उसको साफ पोछ लो। जैसे हरी पत्ती की सब्जियां खाते हैं उसको भी पानी में भिगो के रखिए। जितना सफाई से खाना बनाएंगे तो उतना ही, जैसे मतलब खाने का असर पेट से सीधा मन पे और दिमाग पे जाता है, तो अच्छा खाना बना के खिलाइए, हेल्थ का ख्याल रखिए, घर पे साफ सफाई रखिए। ये सब करेंगे तो बीमारी आपके पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि बीमारी को आने के लिए पहले आप सब लोगों को, इतनी साइंस है, अगर इसमें से कुछ भी होता है तो डॉक्टर को, मैं वापस आपको बोल देगी, अगर कोई भी चीज का इलाज 15 दिन तक करा रहे और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत उसका ये चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, अच्छी तरह से सुना, उसके लिए मैं आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया ओरल कैंसर के बारे में। और जो चौथा कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर, जो जेंट्स में ही होता है, जैसे लेडीज में सर्विक्स कैंसर होता है, जैसे जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर मतलब क्या, जो पेशाब की जगह होती है, जो पीछे का हिस्सा होता है उसको प्रोस्टेट बोलते हैं, तो उस वहाँ पे गांठ हो जाती है, उसके निशाने जल्दी पता नहीं चलती क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी दो ऐसे अखरोट जैसी गोटियाँ होती है, तो जल्दी से डिटेक्शन नहीं होता है कि कैंसर की गांठ है कि नहीं है, तो उसकी साइन क्या है। तो अगर बहुत बार जेंट्स लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको यूरिन जाना होता है, इतना जोर से आता है पर उतना प्रेशर मतलब फ्लो से निकलता नहीं है, धीरे धीरे पेशाब निकलता है, या फिर किसी को निकलता ही रहता है, बूंद बूंद निकलता रहता है, कभी कभी पेशाब के साथ थोड़ा खून भी निकलता है। ये जेंट्स में प्रॉब्लम बहुत होती है पर वो लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि काम का प्रेशर रहता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, तो उसको इग्नोर करते कि ठीक है दिखा दूंगा डॉक्टर। फिर मैंने पहले ही देखा जितना आप वो चीज़ को ज़्यादा लंबा करते हैं तो उसमें ठीक होने में टाइम लगता है। तो प्रोस्टेट कैंसर की ये निशानी है, यूरिन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पहले सबके घरों में हम सब बहन भाई, अगर 10-10 बहन भाई होते थे, क्योंकि पहले सारा दिन यूट्रस काम करता रहता था। आजकल तो होता ही नहीं है सब कुछ, तो उससे क्या है कहते हैं डॉक्टर कहते हैं अच्छा बीच में एक रवाज आ गया था, अगर यूट्रस पे तो प्रॉब्लम है यूट्रस निकाल दो। अभी डॉक्टर ऐसे थे कोई आपकी बॉडी का ऑर्गन निकालते नहीं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तभी निकालते हैं। ओवरीज हैं, ओवरीज हमारे साथ जुड़ी रहती है, अगर आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट करवाते हैं, CA125 बोलते हैं उसे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और आंसर तो आपको क्वेश्चन करना है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब कोशिश करेंगे देने की, अगर हमें पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आता हमें पता नहीं है। तो अगर आप ब्लड टेस्ट करके जाते हो, अगर आप अपना नॉर्मल चेकअप करवाते हैं, मैमोग्राफी आप जा सकते हो 35-40 की एज में, उससे पहले जाने की जरूरत नहीं होती है। पर अगर पीरियड के 5th डे आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए नहाने के बाद और अपने आप को चेक करेंगे, आपकी बॉडी में कोई भी चेंज आता है वी आर द फर्स्ट मंथ, किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें खुद को पता रहता है हमारी बॉडी में यह बदलाव आ रहा है। तो सबसे पहले बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि डरने की कोई बात नहीं, डरना नहीं है। मेरे को 99 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, 20 साल हो गए, और कैंसर हमने पिक्चरों में देखा है और स्टोरियों में पढ़ा है, तो उस कैंसर का मतलब है कैंसर हुआ आत्मे से भी कर जाएगा। This is a fallacy. ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है, वो 50 साल पहले पक्की बातें थी। हम 50 सालों में हमने कितनी तरक्की कर ली, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं ना, तो उसके हिसाब से दवाइयाँ भी निकल आई हैं। मैं आपको ये बताऊँ, जो 20 साल पहले मेरे को दवाइयाँ दी थी, मेरे को डॉक्टर बोलता है
अच्छी मेडिसिन आ गई है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए आजकल बीमारी आई है इसका इलाज नहीं है। इलाज हर बीमारी का इलाज है, मेन थिंग इज डिटेक्शन। और दूसरी बात, डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डर गए तो मर गए। डर एक ऐसी चीज है, यहाँ बच्चियाँ बहुत जान लड़कियाँ भी बैठी हैं, मैंने देखा है। तो मैं आई डोंट वांट टू कम, एक हाथ ऐसे रखेंगे सिर पे और दूसरे से अपने आप को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज चेक करेंगे, फिर दूसरा हाथ ऐसे रखेंगे, फिर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज यू विल चेक योरसेल्फ। उससे क्या हो जाता है, हमें अपनी बॉडी का जितना पता है किसी को नहीं पता। अगर आपको कहीं कोई गांठ नजर आती है, कुछ डिफरेंट लगता है अपनी बॉडी में, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। और सब गांठ कैंसर्स नहीं होती है, बिनाइन होती है, डरने वाली बात नहीं होती है। हम क्यों डरते हैं, हम कहते हैं अच्छे वाले हैं, क्यों डॉक्टर के पास जाएं, पागल है। ऐसी कोई बात नहीं होती है, जरूरी नहीं गांठ का मतलब भी वो कैंसर ही है। लेकिन आपके पास, सबके पास गायनेकोलॉजिस्ट है, सबके बच्चे हुए हुए हैं, सब डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे और वो आपको चेक करेंगे, दैट्स ऑल। मैमोग्राफी कहते हैं 2 साल के बाद एक बार लेडीज को करानी चाहिए, वो थोड़ी सी पेनफुल होती है, 2 प्लेटों में डाल के साथ में ब्रेस्ट को ऐसे रखते हैं। पर अभी वो सब कह रहे हैं, इतना अपना सेल्फ चेक, सेल्फ एग्जामिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मैमोग्राफी। मैमोग्राफी आप जा सकते हो 35-40 की एज में, उससे पहले जाने की जरूरत नहीं होती है। पर अगर पीरियड्स के 5th डे आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए नहाने के बाद और अपने आप को चेक करेंगे, आपकी बॉडी में कोई भी चेंज आता है, वी आर द फर्स्ट वन। किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें खुद को पता चलेगा। वो टीबी होता था, हमें टीबी का ख्याल रहता है, क्योंकि जब पहले घरों में टीबी आता था तो हम सोचते थे अरे ये कैंसर की बीमारी, ये टीबी है, उसका खाना नहीं खाना, उसके कपड़े नहीं पहनने, उसको अलग रखो। कैंसर था इसका, कैंसर हमारे बॉडी के अंदर की कोई एक चीज है जो सेल्स हैं खराब होने से, बाहर निकलने से बंद हो जाते हैं और बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे फोड़ा, पहले हम इसको क्या बोलते थे, फोड़ा बोलते थे। ये नहीं है कि कैंसर पहले नहीं होता था, होता था, लेकिन उसका नाम नहीं था। आजकल हमने उसको एक नाम दे दिया, ठीक है। पहले हम कहते थे उसके फोड़ा हुआ, फोड़ा हुआ, फोड़े से फोड़ा से इतना बड़ा फोड़ा हो गया। कहने का ढंग होता है ना, अभी हम लोग सोचते हैं हम बहुत मॉडर्न हो गए तो हम उसको कैंसर बोलने लगते हैं। वैसे तो देखा जाए जिंदगी बढ़ रही है हमारी, कम नहीं हो रही है। तो इसलिए आस आस जिंदगी में कभी नहीं छोड़नी चाहिए, आस एक बहुत बड़ी चीज है। सर्विक्स कैंसर में भी ना ओवरी, अच्छा लेडीज का क्या रहता है, लेडीज हम ऊपर से लेके नीचे तक जुड़ी हुई है, ब्रेस्ट है। अच्छा देखो पहले 8-10 बच्चे होते थे, आजकल तो 2 ही बच्चे होते हैं, उसके बाद हमारा यूट्रस फ्री हो जाता है, उसको बेचारे को कोई काम ही नहीं रहता, ठीक है। पहले सबके घरों में हम सब बहन भाई 8-10 बहन भाई होते थे, क्योंकि पहले सारा दिन यूट्रस काम करता रहता था।